कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से कुपवाड़ा की यूथ के साथ जुड़ने का एक हमने कदम लिया हुआ है। इस टूर्नामेंट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के बहाने से लगभग हर गांव में टीम पार्टिसिपेट कर रही है। कोई हमें 70 टीम्स इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ी हुई है जी। ये एक नॉकआउट टूर्नामेंट है। ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से यहाँ की आवाम को, यहाँ की यूथ को एक अच्छा मैसेज देना है, देने की ये कोशिश है। एक इनके साथ में एंगेज करने की एक कोशिश है एक पॉजिटिव तरीके से। ये जो इस समय का जो हमारा मौसम है, समर सीज़न चल रहा है, ये काफ़ी खुशनुमा एक सीज़न होता है जी। एक बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम हमें गालीज के इस स्टेडियम के बहाने से जो यहाँ पर एक हमें अवेलेबल है जी। इस स्टेडियम का भी एक पॉजिटिव इस्तेमाल करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करना, इस यूथ को जो है इस ग्राउंड के साथ जोड़ना, इस मैदान के साथ जोड़ने का एक इनिशिएटिव है। हमारे यूथ ड्रग्स, स्टोन पेल्टिंग, कहीं ना कहीं ईव टीजिंग, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, काफ़ी इनके प्रॉब्लम्स होते हैं और इनको कोई जो है हैंड होल्डिंग नहीं होता है, कोई इनके साथ में जुड़कर इनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगेज नहीं करता है। एक लंबे समय तक चलने वाला एक टूर्नामेंट है, इस पूरे सीजन में समर सीजन ये टूर्नामेंट चलेगा। काफ़ी मैचेस इसमें होने वाले हैं। कहाँ कहाँ की टीमों ने इसमें शिरकत की? हर गाँव के, मतलब आप समझ लीजिए हर कोने से जो है इसमें टीम्स आई हुई है। लोलाब की टीम्स है, करालपुरा की टीम्स है, त्रहगाम की टीम्स है, द्रगमुला की टीम्स है, कुपवाड़ा टाउन की टीम्स है। आप समझ लीजिए कि कुपवाड़ा के हर कोने से इस टीम के साथ में जो है, इस टूर्नामेंट के साथ जो है टीम्स जुड़ी हुई है जी। आने वाले समय में इस टूर्नामेंट की वजह से जो है पुलिस और यूथ के बीच में जो है एक अच्छा बॉन्ड, एक ट्रस्ट का बॉन्ड और एक भरोसे का बॉन्ड और एक बहुत ही हेल्दी एक रिश्ता जो है इस टूर्नामेंट की वजह से एस्टेब्लिश होगा, इसकी हमें पूरी की पूरी उम्मीद है। थैंक यू।